और ये जम्मू से आप गिरीश चंद्र मुर्मू ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के रूप में शपथ ली। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गीता मित्तल ने श्रीनगर स्थित राज्य भवन में जीसी मुर्मू को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। मुर्मू अगले महीने 60 वर्ष के हो जाएंगे। गुजरात से 1985 बैच के आईएएस अधिकारी मुर्मू की नियुक्ति का वारंट मुख्य सचिव बीवीआर सुब्रमण्यम ने पढ़ा। भाजपा नेता जुगल किशोर और राज्यसभा सदस्य वे पीडीपी नेता नजीर लावे समेत 250 से अधिक मेहमान समारोह में मौजूद थे। गुजरात कैडर के 1985 बैच के आईएएस अधिकारी को प्रधानमंत्री के भरोसेमंद लोगों में से एक माना जाता है। इसी वजह से उन्हें केंद्र वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग का सचिव पद भी सौंपा गया था। मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब मुर्मू उनके प्रधान सचिव थे। मैं रामनाथ कोविंद, भारत का राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 239 के खंड 1 द्वारा मुझ में निहित की गई शक्ति के आधार पर इसके द्वारा श्री गिरीश चंद्र मुर्मू को उस तारीख से जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल नियुक्त करता हूं, जिस तारीख को वे अपने पद का कार्यभार ग्रहण करते हैं। भारत गणराज्य के 70वें वर्ष में आज सन 2019 ईस्वी के अक्टूबर मास के 25वें दिन 3 कार्तिक 1941 शक राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली से जारी हस्ताक्षरित रामनाथ कोविंद, भारत का राष्ट्रपति। I request Honorable Kumari Justice Geeta Mittal, Honorable Chief Justice, High Court of Jammu and Kashmir, to kindly administer the oath of office to Shri Girish Chandra Murmu as Lieutenant Governor of Jammu and Kashmir. मैं गिरीश चंद्र मुर्मू सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं श्रद्धापूर्वक केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल के पद का कार्यपालन करूंगा तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परिरक्षण संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा और मैं जम्मू कश्मीर के जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूंगा। चंद्र मुर्मू सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि जो विषय उपराज्यपाल केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे उपराज्यपाल केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना उपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। With your permission, Honorable Lieutenant Governor, the
तो ये आप देख रहे थे श्रीनगर से सीधा प्रसारण, जीसी मुर्मू जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल पद की उन्होंने शपथ। उन प्रयासों को आज सबने सुना है, लेकिन इस पूरे विषय पे बात करेंगे सुधाकर आपसे, लेकिन आपको थोड़ी देर के लिए रोकते हैं और रुख करते हैं सीधे जम्मू का। हम और ये जम्मू से आप देख रहे हैं इस समय वहां पर शपथ ग्रहण समारोह चल रहा है। लेफ्टिनेंट गवर्नर का शपथ ग्रहण समारोह इस समय चल रहा है, क्या आप सीधे वहां से विजुअल्स देख रहे हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हियर बाय अपॉइंट श्री गिरीश चंद्र मुर्मू टू बी द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू कश्मीर विद इफेक्ट फ्रॉम द डेट ही अज्यूम्स चार्ज ऑफ हिज ऑफिस गिवन एट राष्ट्रपति भवन न्यू दिल्ली दिस 25th डे ऑफ अक्टूबर इन द ईयर 2019 थर्ड कार्तिक 1941 Shaka in the 70th year of the Republic of India, signed Ramnath Kovind, President of India. In Hindi, मैं रामनाथ कोविंद भारत का राष्ट्रपति भारत के संविधान के अनुच्छेद 239 के खंड एक द्वारा मुझ में निहित की गई शक्ति के आधार पर इसके द्वारा श्री गिरीश चंद्र मुर्मू को उस तारीख से जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल नियुक्त करता हूं जिस तारीख को वे अपने पद का कार्यभार ग्रहण करते हैं। भारत गणराज्य के 70वें वर्ष में आज सन 2019 ईस्वी के अक्टूबर मास के 25वें दिन 3 कार्तिक 1941 शक राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली से जारी हस्ताक्षरित रामनाथ कोविंद भारत का राष्ट्रपति। आई रिक्वेस्ट ऑनरेबल कुमारी जस्टिस गीता मित्तल, ऑनरेबल चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू काइंडली एडमिनिस्टर द ओथ ऑफ ऑफिस to Shri Girish Chandra Murmu as Lieutenant Governor of Jammu and Kashmir. मैं गिरीश चंद्र मुर्मू सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं श्रद्धापूर्वक केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के पद का कार्यपालन करूंगा तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परिरक्षण संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा और मैं जम्मू कश्मीर के जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूंगा। चंद्र मुर्मू
सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि जो विषय उपराज्यपाल केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे उपराज्यपाल केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना उपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। With your permission, Honorable Lieutenant Governor, the proceedings. तो ये आप देख रहे थे श्रीनगर से सीधा प्रसारण। जीसी मुर्मू जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल पद की उन्होंने शपथ। इस समय वहां पर शपथ ग्रहण समारोह चल रहा है। लेफ्टिनेंट गवर्नर का शपथ ग्रहण समारोह इस समय चल रहा है। क्या आप सीधे वहां से विजुअल्स देख रहे हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हियर बाय अपॉइंट श्री गिरीश चंद्र मुर्मू टू बी द लेफ्टिनेंट गवर्नर of Jammu Kashmir with effect from the date he assumes charge of his office given at Rashtrapati Bhavan, New Delhi, this 25th day of October in the year 2019, 3rd Kartik 1941 Shaka in the 70th year of the Republic of India, signed Ramnath Kovind, President of India. इन हिंदी मैं रामनाथ कोविंद भारत का राष्ट्रपति भारत के संविधान के अनुच्छेद 239 के खंड एक द्वारा मुझ में निहित की गई शक्ति के आधार पर इसके द्वारा श्री गिरीश चंद्र मुर्मू को उस तारीख से जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल नियुक्त करता हूं जिस तारीख को वे अपने पद का कार्यभार ग्रहण करते हैं। भारत गणराज्य के 70वें वर्ष में आज सन 2019 ईस्वी के अक्टूबर मास के 25वें दिन 3 कार्तिक 1941 शक राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली से जारी हस्ताक्षरित रामनाथ कोविंद भारत का राष्ट्रपति। आई रिक्वेस्ट ऑनरेबल कुमारी जस्टिस गीता मित्तल, ऑनरेबल चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू काइंडली एडमिनिस्टर द ओथ ऑफ ऑफिस टू श्री गिरीश चंद्र मुर्मू एज लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। गिरीश चंद्र मुर्मू सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं श्रद्धापूर्वक केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के पद का कार्यपालन करूँगा तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परिरक्षण संरक्षण और प्रतिरक्षण करूँगा और मैं जम्मू कश्मीर के जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूँगा। Thank you.
चंद्र मुर्मू सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि जो विषय उपराज्यपाल केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे उपराज्यपाल केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना उपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। With your permission, Honorable Lieutenant Governor, the proceedings.